खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। अंकित कुमार मौत का एसपी राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर दिया खुलासा। सहरसा में बीते कल 12वीं में पढ़ने वाले छात्र अंकित की मौत पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा करते हुए मृतक के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते कल 12वीं में पढ़ने वाले छात्र अंकित कुमार का शव पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के पशुपालन कॉलोनी स्थित एक किराए के घर से बरामद किया था। मृतक अंकित के सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी। पूरे मामले पर एसपी राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अंकित की हत्या नहीं बल्कि अंकित ने खुद को सिर में गोली मारकर सुसाइड कर ली थी। एसपी राकेश कुमार ने बताया कि अंकित एक लड़की से प्रेम करता था जिसकी शादी कुछ महीने पहले हो गई थी, लेकिन अंकित उस लड़की को पाना चाहता था जिससे उसके साथ कुछ साथी भी उसको उकसा रहे थे। इसी क्रम में अंकित जिस किराए के मकान में रहकर पढ़ाई करता था उस मकान में बीते देर रात अंकित और उसके साथियों के बीच शराब पार्टी चली थी। इसी दौरान लड़की की चाहत में अंकित आवेश में आकर साथियों द्वारा उपलब्ध कराए गए पिस्टल से खुद के सिर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पुलिस द्वारा सुसाइड करने में प्रयोग किया गया पिस्टल भी बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। उधर पुलिस ने मकान मालिक पर मामला दर्ज किया है कि चूंकि मकान में शराब पार्टी आए दिन होती थी, मकान मालिक द्वारा पुलिस को इसकी सूचना नहीं देने पर मकान मालिक पर भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मृतक 12वीं का छात्र अंकित कुमार जिले के सत्तर कटैया प्रखंड के जरसैन गांव का रहने वाला था, जो सदर थाना क्षेत्र के पशुपालन कॉलोनी में किराए का मकान लेकर पढ़ाई कर रहा था। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट। जिनके द्वारा घटना से पूर्व में वहाँ अंकित के साथ जो मृतक थे उनके साथ में पार्टी का आयोजन किया गया था, उसमें लीकर वगैरह भी चला हुआ है। इस केस में 3 लोग जो उनके दोस्त थे तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में, और जिस पिस्टल से घटना की गई है उस पिस्टल को भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया। सुसाइड का जो मुख्य कारण प्रेम प्रसंग का है, क्योंकि जो उनकी प्रेमिका थी उनका विगत माह में विवाह हो गया है और उस रिलेशन को कैरी नहीं करना चाहती थी, आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन मृतक लगातार इस बात पर दबाव देते रहते थे। संयोग से वो महिला इस समय अपने मायके में आई हुई थी। मृतक के द्वारा घटना की रात्रि में फोन पे उनसे बात की गई रात 1:30 बजे तक, और उनको घर अपने रूम पर बुलाने के लिए दबाव डाला गया, बट उस महिला ने इनकार कर दिया आने से, और इसके कारण आवेश में आकर मृतक के द्वारा जो पिस्टल उनके पास अवैध रूप से थी, जो कि उनके मित्रों ने उनको प्रोवाइड कराई थी, उससे बुलेट इंजी करके स्वयं की आत्महत्या की। बरामदगी क्या सब हुई? बरामदगी इस केस में एक मोटरसाइकिल है जो उनके दोस्त की है, इसके अलावा एक पिस्टल है, मैगजीन है और बुलेट है और मोबाइल है।